आज उमरिया में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे के नेतृत्व में प्रदेश संगठन के मार्गदर्शन में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदिवासी महिला रानी कमलापति के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के कारण उमरिया नगर के जय स्तंभ में गोविंद सिंह राजपूत का पुतला दहन किया गया। भाजपा आदिवासी प्रकोष्ठ के नेता राजेंद्र कोल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा हमारे पूर्वजों का अपमान करती आई है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, सबका अपमान करती है। रानी कमलापति हमारे प्रदेश के आदर्श है, उन्होंने आदिवासियों के लिए नहीं अपितु पूरे देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अगर उनके ऊपर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो वह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि रानी कमलापति कौन है हम नहीं जानते। इन सबके बयान से भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश व्याप्त है, इसी कारण आज भाजपा कार्यकर्ता डॉक्टर गोविंद सिंह का पुतला दहन किया गया। पेश है उमरिया से अरुण द्विवेदी की खास रिपोर्ट। राजपा कौन थे, शंकर शाह कौन थे, रानी दुर्गावती कौन थी, टांडिया भील कौन थे, बिरसा मुंडा कौन थे, इन सब का इतिहास अगर पढ़ाया है तो माननीय मोदी जी ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, उसी तरीके से भोपाल की हमारी घोड़ मंच की महारानी रानी कमलापति जी को, कमलापति जी का जिस तरीके से हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर मुगलों के नाम को बदलकर रानी कमलापति किया गया, उससे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं हो पा रही कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के लोग सामंतवादी हुकूमत के पोषक रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कि किसी आदिवासी महिला का नाम भी इतने बड़े रेलवे स्टेशन का हो सकता है। इसी के कारण उन्होंने आज रानी कमलापति का मान किया, जिसको आज नगर भारतीय जनता पार्टी ने, जिले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन किया गया है जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं डॉक्टर गोविंद राजपूत जी, उन्होंने हमेशा कांग्रेस की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं वो हमेशा नारियों के अपमान करते आ रहे हैं, प्रधानमंत्रियों का अपमान करते आ रहे हैं, राष्ट्रपतियों का अपमान करते आ रहे हैं। दुख है, हमें बहुत खेद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज पुतला दहन किया है। रानी कमलावती भोपाल की रानी थी, उनके नाम से भव्य स्टेशन घोषित हुआ है और वो कहते हैं कि रानी कौन थी, हम उन्हें नहीं जानते। हमें बड़े दुख हो रहा है कि वो किस तरह से, मतलब विधायक हैं वो किस तरह के नेता प्रतिपक्ष, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम मांग करते हैं सरकार से।